कायर घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना हम लोगों को अभिमन्यु को लेकर आना चाहिए था, हो गई ना गड़बड़। मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारे पास वक्त है, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे तो ये उस काले साए का कोई जाल ही लग रहा है, युग कायर पर चिढ़ते हुए गुस्से के साथ कहता है। कायर तू अपना मुंह बंद रखेगा थोड़ी देर, जब से बकबक किए जा रहे हैं खुद तो डर ही रहा है साथ में हमें भी डरा रहा है, मुझे कुछ सोचने का वक्त देगा या नहीं देगा। युग की गुस्से से आंखें लाल हो गई थी, उन लाल आंखों को देखकर कायर एकदम शांत हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। युग कायर कछुआ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरफ आगे बढ़े। वो तीनों काला झाड़ी जंगल के एकदम बीचों बीच आकर खड़े हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूल भुलैया में आकर खड़े हो गए हो, जहाँ पर आगे जाने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ पर बस काले पेड़ ही दिखाई दे रहे थे, उसके सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों ही ये बात पूरी तरह से समझते थे कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो तीनों कुछ सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी युग को झाड़ियों में हलचल की आवाज सुनाई देती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, तुमने आवाज सुनी? कछुआ झट से पूछता है, कैसी आवाज युग? युग तुरंत कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, गौर से सुन कछुआ, झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, चलने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। युग को जो हलचल सुनाई दे रही थी, कायर भी उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है, पर उसे भी कोई हलचल सुनाई नहीं देती है। उसे उस बारिश की बूंदे के बरसने की आवाज सुनाई दे रही थी। कायर हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए कहता है, मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है युग। युग को लगातार किसी के झाड़ियों में चलने की कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जो लगातार बढ़ते जा रही थी। कछुआ और कायर कुछ कहते उससे पहले युग फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। कछुआ तुरंत युग से कहता है, अब तू कहाँ जा रहा है युग? युग इतनी जल्दी में था कि वो कछुए के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, अपने कदम हड़बड़ाहट के साथ आगे बढ़ाते रहता है। कायर घबराते हुए कहता है, अब ये युग को क्या हो गया कछुआ, ये कहाँ पर जा रहा है? कछुआ परेशान होते हुए पलट कर कहता है, पता नहीं यार कहाँ पर जा रहा है, ये युग बिना कुछ बताता ही नहीं है, हमेशा अपने मन की करता है, जल्दी चल इसके पीछे वरना ये गुम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कछुआ और कायर युग के पीछे पीछे फुर्ती के साथ जाने लग जाते हैं। युग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि वो जिन कदमों की आहट का पीछा कर रहा था वो आहट उससे दूर हो रही थी। वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, इसलिए युग चलना छोड़कर भागना शुरू कर देता है, और युग को भागता हुआ देखकर कछुआ और कायर भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। कायर भागते हुए कछुए से पूछता है, यार ये युग अब भाग क्यों रहा है? कछुआ भी भागते हुए जवाब देता है, पता नहीं यार अब इसे क्या हो गया, ये भी ना बड़ा अजीब है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, सिर्फ यही नहीं इसके परिवार में ना सब अजीब है, हर कोई एक से बढ़कर एक है। युग बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, इतनी तेजी के साथ कि कछुआ और कायर उसके पास पहुंच तक नहीं पा रहे थे। कछुआ और कायर दोनों थकने लग गए थे। धीरे धीरे युग उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। वो दोनों युग का पीछा कर ही रहे थे कि तभी युग कहां पर निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। उन्हें युग भागते हुए दिखाई देना बंद हो जाता है। कायर भागते भागते रुक जाता है और हांफना शुरू कर देता है। उसको देखकर कछुआ भी रुक जाता है, उसके अंदर भी अब कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। कायर हांफते हुए कहता है, यार ये युग कहां पर चले गया, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कछुआ परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं यार अब ये कहां पर चला गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस साइड गया है, ऊपर से यहाँ अंधेरा इतना है ना कि ठीक से कोई चीज दिखाई भी नहीं दे रही, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेड़ किस चीज का है। कायर भी परेशान होते हुए कहता है, अब इस युग को कहां ढूंढे यार, वंदना भाभी क्या पहले ही कम गायब थी, जो अब ये युग भी गायब हो गया, मुझे ना सच में अभिमन्यु की याद आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसे हमें साथ में लेकर आना चाहिए था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि ऐसा ही कुछ बुरा होने वाला है, अब कहाँ ढूंढे युग को। कछुआ खामोश खड़ा रहता है, कायर के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है, उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कायर अभिमन्यु की याद करते हुए फिर खुद से बड़बड़ा पड़ता है, काश अभिमन्यु यहाँ पर होता तो वो कुछ न कुछ सोल्यूशन तो निकाल ही लेता। कछुआ अभी भी खामोश खड़ा रहता है और सोचने की कोशिश करते रहता है कि क्या करे, अब किस तरफ जाए, पहले युग को ढूंढे या फिर वंदना भाभी को। वो युग और वंदना के बारे में सोचने में इतना खो गया था कि उसका यामिनी पर ध्यान ही नहीं था, उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि यामिनी भी उनके पीछे पीछे ही चल रही थी।
जो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थी। वो दोनों बस युग के बारे में ही सोचने में लगे हुए थे। इस तरफ हवेली के अंदर डायना अपने कमरे के अंदर थी और आईने के सामने खड़ी हुई थी। कुछ दिनों से डायना अपने बालों को दुपट्टे से कवर करके रखने लग गई थी, कुछ इस तरह से कि कोई भी उसके बाल देख नहीं पाता था। उसके चेहरे और हाथ पैरों पर भी झुर्रियां बढ़ने लग गई थी। वो कुछ कमजोर होने लग गई थी, पर उसकी इस कमजोरी का एहसास उसने किसी को भी नहीं होने दिया था। वो सबसे ऐसे मिलती जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। डायना आईने के सामने खड़ी हुई थी और एकटक अपने आप को ही देख रही थी। इस वक्त भी उसने अपने बालों को दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ था। डायना खुद को एकटक नजर से देख ही रही थी कि देखते ही देखते वो अपने चेहरे पर आई झुर्रियों पर हाथ फेरने लग जाती है। डायना की आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे भी अपने चेहरे पर ये झुर्रियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। झुर्रियों पर उंगलियां फेरते हुए उसके दोनों हाथ कंपकपाने लग गए थे। वो खुद से नजरें मिलाने से डरने लग गई थी। डायना अपने चेहरे पर आई झुर्रियों पर हाथ फेरी रही थी कि तभी वो धीरे धीरे अपने सिर पर बंधे दुपट्टे को खोलने लग जाती है। जैसे वो अपने सिर पर से दुपट्टे को हटाती है तो वो देखती है कि उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। उसके सिर पर बस गिनती के 4-5 बाल ही काले थे, बाकी के पूरे बाल सफेद हो चुके थे। अपने सिर पर इतने सारे सफेद बालों को देखकर डायना और ज्यादा घबरा जाती है। डायना आईने में अपने आप को देखकर खुद से बड़बड़ाती है, ये मेरे बाल तो और भी ज्यादा सफेद हो गए। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा वरना इस तरह से तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, और यदि मैं बूढ़ी हो गई तो। इतना कहकर डायना खुद चुप हो जाती है, जैसे आगे की बात बोलने से भी उसकी जुबान कांप गई हो। डायना एकटक नजर से आईने में अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाती है। अपने रूप का यह हाल देखकर डायना की आंखें नम हो जाती हैं। डायना अपने रूप को आईने में देख ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कमरे में उसके सिवा भी कोई और मौजूद है। वो तुरंत दरवाजे की तरफ अपनी नजरें करती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। उसको दरवाजे पर खड़ा देखकर डायना तुरंत अपने बालों को वापस से दुपट्टे से कवर करने लग जाती है। डायना अपने बालों को दुपट्टे से कवर करती उससे पहले ही अभिमन्यु उसके पास पहुंच जाता है और उसे रोकते हुए बड़ी हमदर्दी भरे लहजे में कहता है, रुक जाओ डायना, इन्हें ऐसे ही रहने दो। अभिमन्यु को अपने इतने पास देखकर डायना की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो घबरा जाती है और अपने बालों को खुला ही छोड़ देती है, दुपट्टे से कवर नहीं करती है। डायना अभिमन्यु से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ऐसे रूप में कैसे अभिमन्यु से अपनी नजरें मिलाए। अभिमन्यु बड़े प्यार से डायना से कहता है, तुम इन खुले बालों में और भी सुंदर लगती हो डायना, इन्हें ऐसे ही खुले रहने दिया करो, तुम्हें इन्हें बांधने की कोई जरूरत नहीं। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये आज अभी को क्या हो गया, ये मुझसे इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। डायना फिर अपने बालों को बांधने लग जाती है। अभिमन्यु फिर डायना को रोकते हुए कहता है, डायना मैंने कहा ना इन्हें ऐसे ही रहने दो, तुम खुले बालों में अच्छी लगती हो। डायना हिचकिचाहट के साथ कहती है, अभी काले बाल खुले हुए अच्छे लगते हैं, सफेद नहीं। अभिमन्यु प्यार भरे अंदाज में ही जवाब देता है, डायना बाल तो बाल होते हैं, चाहे वो फिर काले हो या फिर सफेद, और वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको बूढ़ा होना ही है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उससे लगाव खत्म हो जाए। वक्त के साथ तो चीजों से लगाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डायना के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आज अभिमन्यु उससे इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। उसने आज से पहले कभी अभिमन्यु को उससे इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था। डायना इस बार चुप नहीं बैठती है, पलट कर कहती है, अभी बूढ़ा सबको होना है पर डायन को नहीं। डायन कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा जवान रहती है लोगों की जान लेकर। अभिमन्यु झट से कहता है, अगर डायन हमेशा जवान रहती है तो फिर डायना तुम कैसे। इतना कहकर अभिमन्यु हल्का सा हिचकिचाता है और अगले ही पल बोल पड़ता है, और ये तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां कैसे। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करे बिना ही चुप हो जाता है। डायना अभिमन्यु के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है, बस खामोश खड़ी रहती है। अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि डायना के साथ ये सब क्यों हो रहा था, क्यों उसका यौवन चले गया था। अगले पल अभिमन्यु डायना से पूछ पड़ता है, डायना ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैंने एकास्त्र का यूज किया और उसकी शक्तियों का बुरा असर मुझ पर हुआ, और मुझे बचाने के लिए उस रात तुमने अपना काजल लगाकर मेरी जान बचाई, उस वजह से हुआ है ना ये सब। डायना अभी भी खामोश खड़ी रहती है, अभिमन्यु के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, बोलो डायना तुम चुप क्यों हो। डायना फिर कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु फिर बड़े प्यार से डायना से पूछता है, डायना एक बात पूछूं तुमसे, सच सच जवाब देना। डायना एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ पूछो अभी, क्या पूछना है तुम्हें।
अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई डायना? मेरी जान बचाने के लिए अपना यौवन रूप क्यों कुर्बान कर दिया तुमने? अभिमन्यु के ये सवाल कहते ही डायना फिर उससे अपनी नजरें चुराने लग जाती है। अभिमन्यु अपने हाथ से डायना के चेहरे को छूता है और उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, मुझसे नजरें मत फेरो डायना, मेरे सवालों का जवाब दो, क्यों बचाई तुमने मेरी जान? इतना कहकर अभिमन्यु डायना की आंखों में देखने लग जाता है। डायना भी अभिमन्यु की आंखों में एकटक देखते हुए उससे कहती है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो अभी, जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं डायन हूँ तो तुमने ये बात अपने दोस्तों को क्यों नहीं बताई? क्यों उनसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा? अभिमन्यु अगले ही पल जवाब देता है, क्योंकि वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करते डायना, कभी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि डायन के अंदर भी दिल होता है। जैसे ही डायना अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, वो कभी नहीं मानते कि एक डायन ने अपने यौवन की कुर्बानी देकर मेरी जान बचाई है। वो डायन जो लोगों की जवानी खींचती है, उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। अभिमन्यु डायना की तारीफ करते रहता है और डायना भी प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देखते रहती है। अभिमन्यु अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो डायना, तुमने ऐसा क्यों किया डायना? क्यों अपनी शक्तियां देकर मेरी जान बचाई? बोलो डायना, बोलो। डायना भी प्यार भरी नजरों से अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, तुम्हें सब पता है अभी, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। डायना भी प्यार भरी नजरों से अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, तुम्हें सब पता है अभी, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया है। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, डायना के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। डायना से अपनी नजरें चुराने लग जाता है और दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन जिस तरह अभिमन्यु ने कुछ देर पहले डायना का चेहरा अपनी तरफ किया था, ठीक उसी तरह डायना भी अभिमन्यु के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करते हुए बड़े प्यार से धीरे से कहती है, बोलो अभी तुम चुप क्यों हो? बताओ क्या है मेरे दिल में? अभिमन्यु अभी भी खामोश खड़ा रहता है। उसके समझ नहीं आता कि वो डायना से क्या बोले। अभिमन्यु को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अच्छे से जानता था कि डायना उससे क्या बुलवाना चाहती थी, पर सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु जानबूझकर अनजान बन रहा था और डायना के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। डायना धीरे धीरे एकटक अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, फिर भी तुम मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। अभिमन्यु डायना को एकटक देखते रहता है, उससे कुछ नहीं कहता है। अभिमन्यु की निगाहों में देखकर डायना समझ जाती है कि अभिमन्यु उससे इस वक्त कुछ नहीं कहने वाला था। अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, इतने जोर से कि उसके दिल की धड़कनों की आवाज डायना को भी साफ सुनाई दे रही थी। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे पता है तुम आज भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देने वाले हो अभी, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन तुम खुद मुझे बताओगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अभिमन्यु अभी भी खामोश खड़ा रहता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये सब बातें छोड़ो अभी और वो पूछो जो तुम पूछने के लिए यहाँ आए थे। अभिमन्यु डायना को हैरानी के साथ देखते हुए उससे कहता है, डायना तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने के लिए आया था? डायना पलट कर कहती है, अभी जितने प्यार से तुम मुझसे बातें कर रहे थे ना, उतने प्यार से कोई किसी से तभी बात करता है जब वो या तो सामने वाले से प्यार करता हो या फिर उसे सामने वाले से अपना काम निकलवाना हो। अभिमन्यु झट से अपनी नजरें नीचे की तरफ कर लेता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है, तो जाहिर सी बात है किसी काम के लिए ही आए होगे। बोलो अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अभिमन्यु हिम्मत करते हुए कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था डायना। डायना तुरंत कहती है, हाँ अभी बोलो क्या पूछना था तुम्हें मुझसे। अभिमन्यु हिचकिचाते हुए डायना से कहता है, तुम डायन हो ना डायना? डायना को चिढ़ते हुए कहती है, अभी ये तुम्हारा बार बार मुझे एहसास कराना कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, डायन हूँ, जरूरी है क्या? डायना गुस्से के साथ कहती है, मैं डायन हूँ तभी तो मैं तुम्हारी जान बचा पाई हूँ ना। अभिमन्यु अपनी गलती समझते हुए कहता है,
वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था डायना, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम डायन हो तो तुम्हें भी तो वो हरा हीरा चाहिए होगा ना जो मैंने एक आस्त्र में लगाया है जो महाडायन का है। डायना उस हीरे के बारे में सोचते हुए खोए अंदाज में बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, वो हीरा किसे नहीं चाहिए अभी, मैं उस हरे हीरे के लिए तो यहाँ पर आई थी। अभिमन्यु झट से अपने मन की बात डायना के सामने रखते हुए कहता है, फिर उस दिन मेरी जान बचाने के बाद जब मैं वो हीरा तुम्हें दे रहा था तो तुमने मुझसे वो हीरा क्यों नहीं लिया था डायना? डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए जवाब देती है, क्योंकि अभी वो हीरा तुम मुझे इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम एक प्रकार से अपना एहसान चुका रहे थे और मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाए। अभिमन्यु फिर अपनी नजरें चुरा लेता है, डायना से अपनी नजरें नहीं मिला पाता है। डायना की आंखें नम होने लग जाती हैं। वो आगे कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, डायना एकास्त्र में लगा हरा हीरा मैं अभी भी तुम्हें देना चाहता हूँ, और वो मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, अपना यौवन खो सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? आखिर वो हीरा तो डायनो के समुदाय का ही है ना, तो वो तो उन्हीं के पास होना चाहिए। डायना बड़े गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुनती रहती है। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अभिमन्यु इतना सीधा नहीं था कि उसे वो हरा हीरा यूं ही दे दे, उसके बदले में वो उससे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। डायना उसी चीज का इंतजार कर रही थी कि अभिमन्यु उससे क्या चाहता है। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मैं वो हीरा तुम्हें दे दूंगा डायना, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम उस हीरे का क्या करने वाली थी? डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तुम ये सब जानकर क्या करोगे अभी? अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, मैं ये सब जानकर क्या करूंगा, ये छोड़ो डायना, तुम तो ये बताओ तुम इस हीरे का क्या करने वाली थी? आखिर तुम यही हीरा तो यहाँ पर लेने के लिए आई थी ना? डायना कुछ नहीं कहती है, अभिमन्यु को देखते रहती है। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अभिमन्यु के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु डायना के एकदम करीब जाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बोलो डायना, तुम उस हीरे का क्या करने वाली थी? तुम खुद इस हीरे के लिए आई थी या फिर तुम्हें किसी ने भेजा था इस हीरे को लेने के लिए? अभिमन्यु की ये बात कहते ही डायना और ज्यादा घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। वो घबराहट के कारण पसीने से लथपथ होने लग जाती है। डायना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया था। अभिमन्यु अगले ही पल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पड़ता है, ये हीरा तुम्हें किसी ने लेने के लिए भेजा था ना डायना, मैंने सही कहा ना? इस बार भी डायना कुछ जवाब नहीं देती है। अभिमन्यु समझ जाता है कि वो एकदम सही रास्ते पर था। वो डायना को लगभग अपने जाल में फंसा चुका था, बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता था। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तुम्हें ये हीरा लेने के लिए किसने भेजा था डायना? वो महाडायन ही थी ना जिसने ये हीरा तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा था। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, डायना अपनी नजरें ऊपर करते हुए अभिमन्यु को घूरने लग जाती है, जैसे अभिमन्यु ने एकदम सही अंदाजा लगाया हो। अभिमन्यु समझ गया था कि डायना उसकी बातों में फंस चुकी है। अब वो डायना से वो सारे सवाल पूछने लग जाता है जो वो असल में पूछने के लिए आया था। अभिमन्यु एक साथ डायना से अपने मन के सारे सवाल हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, महाडायन इस हीरे का क्या करने वाली थी डायना? उसे ये हीरा क्यों चाहिए था? तुम तो डायन हो, फिर तो तुम उसे जानती ही होगी। बोलो डायना, क्या तुम जानती हो महाडायन को? ये सब छोड़ो, बस मुझे इतना बता दो, वो महाडायन पंचिम गांव में अनुराग अंकल के शरीर की रक्षा क्यों कर रही थी, और अनुराग अंकल का शरीर वहाँ पंचिम गांव में कैसे पहुँच गया जब उनकी मौत ग्रेवयार्ड कोठी में हुई थी? बोलो डायना, बोलो। डायना अभिमन्यु के सवालों से चिढ़ते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता, ये सब सवाल तुम मुझसे मत पूछो। अभिमन्यु अपनी ही बात पर अड़े रहते हुए कहता है, तुम्हें सब पता है डायना, बस तुम मुझे बता नहीं रही हो। डायना गुस्से के साथ ही पलट कर कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने भी मुझे अपने बारे में आज तक कुछ नहीं बताया है। क्या नहीं बताया मैंने? क्या नहीं बताया डायना तुम्हें? तुम सब कुछ तो जानती हो मेरे बारे में। डायना पलट कर कहती है, नहीं अभी मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में, तुम ही बताओ इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है तुम्हें? तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हें महाडायन के हीरे के बारे में कैसे पता चला था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने एकास्त्र कैसे बनाया था, उसके बारे में तुम्हें किसने बताया था? वो तुम खुद यूं ही अपने मन से तो नहीं बना सकते, किसी न किसी ने तो तुम्हें बताया होगा उसके बारे में। जब तुम मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं तुम्हें फिर कुछ क्यों बताऊं अभी? अभिमन्यु डायना से सब कुछ छुपाते हुए चालाकी के साथ कहता है, कुछ चीजों से तुम अनजान रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा डायना, वरना तुम और मुसीबत में फंस सकती हो। डायना भी उतनी चालाकी के साथ अभिमन्यु से पलट कर कहती है, वही अभी, अगर तुम भी कुछ सवालों के जवाब से अनजान रहो तो वही तुम्हारे लिए भी अच्छा है, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ सकते हो, समझे तुम? डायना की ये बात कहते ही अभिमन्यु को गुस्सा आने लग जाता है।
पर जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो बड़े ही नम लहजे में डायना से कहता है, डायना तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो, तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देती हो। डायना भी अभिमन्यु के लहजे में ही पलट कर कहती है, तुम भी मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देते हो अभी, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताने वाले मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ अभी, समझे तुम। अभिमन्यु ये बात अच्छे से जानता था कि डायना इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं बताने वाली थी, इसलिए वो डायना से बहस करना जारी रखता है और उसे अपने सवालों के जाल में फंसा कर सारा सच उगलवाने की कोशिश करते रहता है। यहाँ एक तरफ अभिमन्यु डायना से महाडायन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यामिनी ध्यान में बैठी हुई थी और अपनी शक्तियों के द्वारा पता लगा रही थी कि उसके आसपास कौन सी शक्ति मौजूद थी। उसे ये तो एहसास हो गया था कि उसके आसपास जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है वो पता नहीं लगा पा रही थी। यामिनी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी और वो मन ही मन बार बार कोई सा मंत्र पढ़ते हुए अपने आसपास मौजूद शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। यामिनी अपनी आंखें खोलते हुए परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कौन सी शक्ति है जिसके बारे में मेरी शक्तियों से भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आसपास मौजूद शक्ति का पता क्यों नहीं लगा पा रही थी, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो शक्ति उसके आसपास ही कहीं मौजूद है, उसी काला झाड़ी जंगल के अंदर जहाँ पर वो इस वक्त मौजूद है। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आखिर ये कैसी शक्ति है जिसका मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ, ये तो मुझे बहुत ही खतरनाक शक्ति लगती है, ऐसी शक्ति जिससे मेरा सामना अभी तक नहीं हुआ। यामिनी उस शक्ति के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने आसपास पड़ती है और वो देखती है कि युग जो उसके आगे चल रहा था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, ना ही वहाँ पर कायर और कछुआ मौजूद थे। यामिनी खुद से घबराते हुए कहती है, ये क्या, उस शक्ति के बारे में पता करने के चक्कर में मैं तो युग बाबू के बारे में भूल ही गई, पता नहीं वो कहाँ निकल गए होंगे इस जंगल में, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। रही इस शक्ति की बात, तो इसके बारे में मैं बाद में पता लगा लूंगी। इतना कहकर यामिनी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है और युग को ढूंढने लग जाती है। इस तरफ काला झाड़ी जंगल के अंदर ही युग भागते जा रहा था, उसे अभी भी किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जिसका वो पीछा करे जा रहा था। युग उस आहट का पीछा करने में इतना खो गया था कि वो छाता जो उसने हवेली से बाहर निकलने से पहले अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी उसके हाथ से छूट गया था। वो काली बारिश में भीगने लग गया था, पर युग को इस बात का भी होश नहीं था कि वो लगातार भागते जा रहा था। वो भाग ही रहा था कि तभी उसके कदमों की आहट सुनाई देनी बंद हो जाती है और वो जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या, कदमों की आहट तो फिर बंद हो गई, अब मैं वंदना भाभी को कहाँ पर ढूंढूं, एक यही आहट तो थी जिसका पीछा करके मैं उनके पास पहुँचने वाला था। युग शांत पड़ जाता है, उसकी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कुछ सोच ही रहा था कि वो क्या करे तभी उसे पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। युग उस पायल बजने की आवाज़ को गौर से सुनते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये पायल की आवाज़ कैसी है और ये जंगल में कहाँ से आ रही है। युग को अभी भी पायल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। युग कुछ सोचते हुए कहता है, वंदना भाभी तो पायल नहीं पहन सकती और ना ही यामिनी ने पायल पहन कर रखी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, फिर ये पायल की आवाज़ किसकी है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, वंदना भाभी तो पायल पहन नहीं सकती, ना ही यामिनी ने पायल पहन कर रखी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, फिर ये पायल की आवाज़ किसकी है। युग को अभी भी पायल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही तेजी से पायल पहन कर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। युग पायल की आवाज़ का पीछा करने लग जाता है। बारिश बरसने की रफ्तार कुछ कम हो गई थी पर वो रुकी नहीं थी, अभी भी बरसे जा रही थी। युग जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था उसे लग रहा था कि वो उस पायल की आवाज़ के और करीब आते जा रहा था। युग को पायल बजने की आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देने लग गई थी, जैसे वो उसके पास से ही बज रही हो। युग और जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो पायल की आवाज़ का पीछा करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे एक महक आने लग जाती है, एक ऐसी महक जिसका उससे बहुत पहले से नाता था। युग उस महक को बहुत अच्छे से पहचानता था। उस महक को सूंघ कर युग कहीं खो सा जाता है। उसकी चाल अपने आप धीमी पड़ने लग जाती है और उसके कदम देखते ही देखते थम जाते हैं। युग उस महक को सूंघते हुए कहता है,
ये महक तो अपनी सी लगती है, इसे मैं बहुत पहले कहीं सूंघ चुका हूँ, पर कहाँ। युग उस महक के बारे में याद करते हुए खुद से बड़बड़ाता है। ये तो वैसी ही महक है जो माँ के पास से आती थी, पर ये महक यहाँ पर कैसे आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आसपास। इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। वो बिना कोई आहट किए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक झाड़ियों के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में हलचल होती हुई नजर आती है। युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। युग को ऐसा लगने लग जाता है जैसे झाड़ियों के पीछे कोई है जो उसे देखकर छुप रहा है। युग हिचकिचाते हुए हकलाहट के साथ कहता है, कौन है, कौन है वहाँ। अगले पल युग के दिमाग में वन्ना का ख्याल आता है और वो तुरंत बोल पड़ता है, वन्ना भाभी क्या आप है वहाँ। युग के इतना कहते ही झाड़ियों के पीछे की हलचल और तेज हो जाती है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई निकल रहा हो। युग एक टक नजर से झाड़ियों की तरफ देख रहा था। उसने अपनी नजरें वहीं पर जमाई हुई थी। युग झाड़ियों की तरफ देख ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से कोई बाहर निकलता है और बिना युग की तरफ देखे युग से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाता है। झाड़ियों के पीछे से कोई इतनी तेज निकला था कि युग उस शख्स का चेहरा तक नहीं देख पाया था। उसे बस अंधेरे में एक परछाई सी नजर आई थी। युग भी तुरंत भागना शुरू कर देता है। युग उस शख्स के पीछे भाग ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसके सामने जो शख्स भाग रहा था वो एक औरत थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत बड़ी ही फुर्ती के साथ भागी जा रही थी। युग भागते भागते हाँफते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये औरत कौन है, ये वन्ना भाभी तो नहीं है। वन्ना भाभी ने सफेद साड़ी पहनी थी और ये औरत काली पहने हुए है। युग पूरी तरह श्योर हो जाता है कि जो औरत उसके सामने भाग रही थी वो वंदना तो बिल्कुल भी नहीं थी। युग भागते हुए परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अगर ये औरत वन्ना भाभी नहीं है तो फिर कौन है ये। युग बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसके सामने जो औरत भाग रही थी वो कौन थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ भाग रही थी, इतनी फुर्ती के साथ कि युग भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। युग पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था और अब उस औरत के पीछे भागने के कारण और ज्यादा थकने लग गया था। वो हाँफने लग गया था, फिर भी वो भागे जा रहा था। युग काली बारिश में भीगते हुए भाग ही रहा था कि तभी उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। इतना धुंधला कि उसके आसपास जितनी भी चीजें थी वो अच्छे से नजर नहीं आ रही थी। फिर भी युग भागे जा रहा था। वो औरत युग से और आगे निकलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे युग उस औरत के पास नहीं पहुंच पाएगा और वो औरत युग के हाथ से निकल जाएगी, ऐसे आसार साफ नजर आ रहे थे। भागते भागते युग की सांसें फूलने लग गई थी। युग उस औरत के पीछे भाग ही रहा था कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही युग गिरता है कसकर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह। युग दर्द से कराहने लग जाता है। पैर फिसलने के कारण वो सीधे जमीन पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर गिरा था, जिसमें से कुछ कंकड़ उसके हाथ की हथेली में गड़ गए थे। उसके हथेलियों से खून निकलने लग गया था। उसका जींस तो घुटनों के पास से फट गया था और घुटना छिलने के कारण घुटने से भी खून बहने लग गया था। युग दर्द से कराहे जा रहा था। युग के सामने जो औरत भागी जा रही थी उसके कानों में भी युग के दर्द के कराहने की आवाजें पहुंचने लग जाती हैं। जैसे वो युग के दर्द से कराहने की आवाज सुनती है वो रुक जाती है। ये देखकर युग हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके गिरने पर वो औरत क्यों रुक गई थी जो उससे अब तक दूर भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को भी युग से हमदर्दी थी। तभी युग के गिरने पर वो रुक गई थी। युग दर्द से कराहे जा रहा था। वो औरत तुरंत पीछे मुड़ जाती है। युग देखता है कि उस औरत ने अपने चेहरे को अपने घूंघट से ढक कर रखा हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत भागते हुए युग के पास जाने लग जाती है, जैसे उसे भी युग की फिक्र हो। युग दर्द से कराह रहा था, फिर भी उसे अपने आप से ज्यादा उस औरत के बारे में जानने की पड़ी हुई थी। वो दर्द से कराहते हुए कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही थी। जैसे वो औरत युग के मुँह से ये बात सुनती है वो जहाँ पर थी वहीं पर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे डर सताने लग गया हो कि युग कहीं उसे पहचान न जाए। युग अपने सवाल आगे जारी रखते हुए दर्द से कराहते हुए ही पूछता है, मैंने कहा कौन हो तुम और मुझे देखकर क्यों भाग रही थी तुम। उस औरत के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि युग की फिक्र करने के कारण हड़बड़ाहट के साथ चलने से वो औरत युग के करीब आ गई थी और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने फिर भागने की कोशिश की तो युग भी फिर भागने लग जाएगा, अपने जख्म की जरा भी फिक्र नहीं करेगा, और वो औरत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। युग फिर उस औरत पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, मैंने पूछा कौन हो तुम। वो औरत फिर कुछ जवाब नहीं देती है। युग दर्द से कराहते हुए उस औरत से सवाल पूछ ही रहा था कि तभी उसे फिर से वही महक आने लग जाती है जो उसने कुछ देर पहले जंगल में आ रही थी। युग को गुलाब के फूलों की महक आ रही थी, वो महक जो उसे बचपन में उसकी माँ के पास से आती थी। युग को न जाने क्या हो जाता है,
वो उस औरत से बार बार पूछ ही रहा था कि वो कौन है। अगले ही पल उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकलता है जो वो शायद कभी नहीं लेना चाहता था। युग अपने आसपास से आती महक को सूंघते हुए अगले ही पल बोल पड़ता है, माँ। जैसे ही युग माँ शब्द बोलता है, एक तेज हवा का झोंका आता है और उस औरत के सिर पर जो घूंघट था वो उड़ जाता है। वो हवा का झोंका इतनी तेज आया था कि उसने काली बारिश से भीगे हुए घूंघट को भी उस औरत के सिर पर से उड़ा दिया था। आसपास के पेड़ पौधे भी तेजी के साथ हिलने लग गए थे, जैसे कोई आंधी आ रही हो। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे युग को सांप सूंघ गया हो। युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देखते ही देखते युग की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग जाते हैं। युग नम लहजे के साथ हकलाते हुए धीरे धीरे कहता है, माँ। युग के सामने जो औरत काली साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि चित्रा थी। चित्रा एकटक नजर से युग को ही देखे जा रही थी। युग को इस हालत में देखकर चित्रा की आंखें भी नम हो गई थी, पर वो शांत खड़ी हुई थी। न युग से कुछ कह रही थी, न उसके पास जा रही थी। इतने सालों बाद जब युग अपनी माँ को देखता है तो उसकी आंखों के सामने वो सारे पल गुजरने लग जाते हैं जो उसने बचपन में चित्रा के साथ बिताए थे। चित्रा से जुड़ी युग की बचपन की यादें ताजा होने लग जाती है। ऐसा सिर्फ युग के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि चित्रा के साथ भी हो रहा था। उसे भी वो पल याद आने लग जाते हैं जब वो युग को बचपन में अपनी गोदी में खिलाती थी, उसे प्यार से पुचकार कर उसका लाड दुलार किया करती थी। चित्रा को याद आता है कि कैसे बचपन में युग को चोट लग जाने पर वो सारा घर अपने सिर पर उठा लिया करती थी। उसको रोता हुआ देखकर अपने सारे काम छोड़कर पहले उसके पास जाकर उसे चुप कराया करती थी। और आज जब युग को चोट लगी थी तो वो चाहते हुए भी उसके पास नहीं जा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मजबूरियां थी जो उसे रोके हुए थी, जो उसे अपने बेटे के पास नहीं जाने दे रही थी। युग की आंखों के सामने बचपन में चित्रा के साथ बिताए हुए प्यार भरे पल गुजर ही रहे थे कि तभी उसकी आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाते हैं जो नफरत से भरे थे, कि कैसे चित्रा हमेशा उसे अनुराग से दूर रहने के लिए कहा करती थी, उसे अनुराग के साथ खेलने नहीं दिया करती थी। कैसे चित्रा ने युग को बचपन में बेसहारा छोड़ दिया था और किसी और के साथ भाग गई थी। उन पलों को याद करके युग के मन और आंखों दोनों में एक बार फिर चित्रा के लिए गुस्सा भर जाता है। युग हल्के से दर्द के साथ कराहते हुए ही गुस्से के साथ कहता है, तो तुम आ गई माँ, क्यों आई हो अब तुम वापस, जब सब कुछ खत्म हो गया? तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, वापस चली जाओ। चित्रा खामोश खड़ी रहती है, युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। युग जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है और देखते ही देखते वो खड़ा भी हो जाता है। जब युग अपने पैरों पर खड़ा होता है और फिर चित्रा के चेहरे की तरफ अपनी नजरें करता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लग जाती हैं। युग चित्रा से कई सारे सवाल पूछना चाहता था, पर आज जब चित्रा उसके सामने थी तो वो सारे सवाल भूल गया था। उसके अंदर बस गुस्सा भरा हुआ था। वो नफरत भरी निगाहों के साथ उसे देखे जा रहा था। चित्रा और युग दोनों ही एकटक नजर से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। युग की आंखों में चित्रा के लिए गुस्सा भरा हुआ था। युग को इतने सालों बाद देखकर उसकी आंखें नम थी, पर वो खामोश खड़ी हुई थी, युग से कुछ नहीं कह रही थी। देखते ही देखते युग के अंदर के सारे सवाल उसकी जुबान पर आने लग जाते हैं और वो गुस्से के साथ चित्रा से पूछ पड़ता है, तुमने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों क्यों मेरे पापा को धोखा दिया, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? चित्रा चुप खड़ी रहती है। युग उसके ऊपर जो भी इल्जाम लगा रहा था उन्हें चुपचाप सुनते रहती है। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम क्यों छोड़कर चली गई थी मुझे माँ, बोलो क्यों, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो माँ, कैसे? चित्रा युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी, खामोशी के साथ खड़ी हुई थी। अचानक से युग के दिमाग में उस काले साए का ख्याल आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, वो काला साया किसका है माँ, जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है, वो यक्षिणी का ही है ना, तुमने तो उसे देखा था ना, बोलो माँ वो काला साया कौन है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग के दिमाग में उस काले साए का ख्याल आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, वो काला साए किसका है माँ, जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है, वो यक्षिणी का ही है ना, तुमने तो उसे देखा था ना, बोलो माँ वो काला साया कौन है? चित्रा युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है, खामोशी के साथ खड़ी रहती है।
वो बस एकटक नजर से युग को देखे जा रही थी, कुछ कह नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो देखना चाहती थी कि युग के मन में उसके लिए क्या था। जितनी भी भड़ास थी उसके लिए थी, वो युग के मुंह से सारी सुनना चाहती थी। युग चित्रा पर चिढ़ते हुए कहता है, ऐसे चुप खड़े मत रहो माँ, मेरे सवालों का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। बताओ मुझे वो काला साया किसका था? वो यक्षिणी है ना जो काले साये के रूप में सबको मार रही है? वो काला साया उसी का एक नया रूप है ना? चित्रा खामोशी के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो युग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। कोई चीज थी जो उसे रोके हुए थी। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए चित्रा से कहता है, तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली हो माँ, वैसी की वैसी ही हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, वरना मेरे इतने पूछने पर सब कुछ सच सच बता दिया होता तुमने। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो माँ? युग चित्रा पर चीखते हुए कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हो माँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ मुझे। युग ने ये बात इतने कसकर चीख कर बोली थी कि आसपास गूंजने लग गई थी, पर तब भी चित्रा खामोशी रहती है। युग के सवालों का, बातों का उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। युग एक लंबी आह भरते हुए अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों दोगी माँ? तुम तो अपने उस आशिक के सवाल का जवाब दोगी ना जिसके साथ तुम भाग गई थी, जिसके लिए तुमने मेरे पापा का साथ छोड़ दिया था, उन्हें धोखा दिया था। पापा कितना प्यार करते थे तुमसे, और तुमने उनके साथ क्या किया? उनकी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। चित्रा बस युग को देखते रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। युग फिर बोल पड़ता है, तुम प्रशांत अंकल के साथ ही भागी थी ना माँ? बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई थी तुमने और प्रशांत अंकल ने मिलकर, पर मैं तुम दोनों का पूरा प्लान समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ प्रशांत अंकल तुम्हारे साथ भागे थे, यक्षिणी ने कोई उनको शिकार नहीं बनाया था, बस गांव में झूठी अफवाह फैली थी उनकी मौत की। ये सब भी तुमने ही किया था ना माँ? बोलो ऐसा क्यों किया था तुमने माँ, क्यों किया था? युग के मन में जो आ रहा था वो चित्रा से बोलते जा रहा था। एक बार भी उसकी जुबान हिचकिचा नहीं रही थी ये सोचकर कि चित्रा पर उसकी बातों का क्या असर पड़ेगा। अपने बेटे के मुंह से उसके लिए ये बातें सुनकर वो अंदर से कितना टूट रही होगी। युग फिर गुस्से के साथ चित्रा से कहता है, कुछ तो बोलो माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मुझे सच सुनना है तुम्हारे मुंह से। काली बारिश के बरसने की रफ्तार तेज हो जाती है, बादल और तेजी के साथ गरजने लगते हैं, साथ में बिजलियां भी कसकर चमकने लग जाती है। ये सब देखकर चित्रा घबराने लग जाती है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा किसी चीज से डर रही हो। वो युग से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाती है, उसके होंठ हिलने लग जाते हैं। युग लालसा के साथ हड़बड़ाते हुए कहता है, बोलो माँ, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? कौन है वो काला साया माँ? बोलो बताओ मुझे। चित्रा अपना सीधा हाथ उठाती है और युग की तरफ इशारा करने लग जाती है। युग अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है, उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा उससे क्या कहना चाहती थी। चित्रा अपनी नजरों से इशारा करते हुए युग को पीछे देखने के लिए कहती है। चित्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युग के पीछे कोई है, जिसको देखकर चित्रा इतना घबरा गई थी। युग तुरंत पीछे मुड़ता है, जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके पीछे जो झाड़ियां थी उसमें हलचल बढ़ने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई है। वो बड़े ही गौर से झाड़ियों की तरफ देख रहा था। झाड़ियों के अंदर हलचल और ज्यादा बढ़ जाती है। युग हैरानी के साथ झाड़ियों की तरफ एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि झाड़ियों के अंदर से कोई निकलने लग जाता है। झाड़ियों में कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, जिस कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर कौन था, लेकिन इतना साफ समझ आ रहा था कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर था। युग हिचकिचाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, कौन है, कौन है वहां? पर युग की ये बात कहते ही झाड़ियों से निकला शख्स आगे आने लग जाता है। वो युग की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब वो शख्स झाड़ियों से निकलकर युग के पास पहुंचता है तो युग देखता है कि झाड़ियों में से जो शख्स निकला था वो कोई और नहीं बल्कि यामिनी थी। युग यामिनी से कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी युग को गले लगाते हुए कहती है, युग बाबू आप ठीक तो हैं? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। युग कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी देखती है कि युग काली बारिश में पूरी तरह भीग चुका था, उसके हाथ में उसका छाता नहीं था। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ युग से कहती है, आपका छाता कहाँ पर है युग बाबू? मैंने आपसे कहा था ना इस काली बारिश में भीगना आपके लिए ठीक नहीं है, ये काली बारिश उस काले साये ने कराई है अपनी काली शक्तियों से। यामिनी ने एक साथ युग से इतने सारे सवाल कर लिए थे कि युग अकबक आ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो पहले यामिनी के किस सवाल का जवाब दे। यामिनी फिर हड़बड़ाहट के साथ युग से बोल पड़ती है, युग बाबू आप ठीक तो है ना? और यहाँ पर क्या कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे? युग फौरन जवाब देता है, वो यामिनी माँ।
इतना कहकर युग झट से पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो शॉक्ड रह जाता है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, माँ क्या युग बाबू? युग अपने आसपास देखते हुए बौखलाहट के साथ कहता है, माँ यामिनी, माँ अभी यहीं पर थी। यामिनी अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, माँ यानी चित्रा आंटी, वो यहाँ थी काला झाड़ी जंगल में। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, माँ यहीं पर थी। तुम्हारे आने से पहले मैं उन्हीं से बात कर रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई वो। युग अपने आसपास चित्रा को ढूंढने लग जाता है, पर चित्रा उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। युग चित्रा को ढूंढने के लिए अपने कदम हड़बड़ाहट के साथ आगे बढ़ाने लग जाता है। यामिनी उसी वक्त युग को रोकते हुए कहती है, युग बाबू आप कहाँ जा रहे हैं अब? युग चलते हुए जवाब देता है, माँ को ढूंढने यामिनी, वो जरूर तुम्हें देखकर फिर छिप गई होगी, वो यहीं कहीं होगी। ये सब बोलते हुए युग अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी उसके पैर फिर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो गिरने लग जाता है। युग गिरता उससे पहले यामिनी उसे संभाल लेती है और अपने कंधे का सहारा देते हुए कहती है, संभल कर युग बाबू वरना आप गिर जाएंगे। यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर युग के हाथों की हथेली पर पड़ती है जिस पर खून के निशान थे। यामिनी घबराते हुए कहती है, युग बाबू आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी आपको? युग हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, माँ को ढूंढते हुए यामिनी वो यहीं थी, उन्हीं का पीछा करते करते मैं गिर गया था तो मुझे ये चोट लग गई, वो यहीं पर है। इतना कहकर युग चित्रा को फिर ढूंढना शुरू कर देता है। यामिनी युग को बड़े अच्छे से समझाते हुए कहती है, युग बाबू यहाँ पर कोई नहीं है, जरूर आपको कोई वहम हुआ होगा, चित्रा आंटी यहाँ काला झाड़ी जंगल में कैसे हो सकती है? युग अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है यामिनी, माँ यहीं पर थी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उनसे बात की, वो मुझसे। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही यामिनी युग को बीच में टोकते हुए बोल पड़ती है, आपने तो चित्रा आंटी से बात की युग बाबू, पर क्या चित्रा आंटी ने आपसे बात की? क्या कहा उन्होंने आपसे, कुछ बताया आपको? यामिनी के ये बात कहते ही युग एकदम खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी समझ जाती है कि उसका जवाब क्या था। युग के कहने से पहले ही यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, नहीं करी ना चित्रा आंटी ने आपसे बात, वो आपसे बात करेगी भी कैसे, वो यहाँ पर थी ही नहीं, ये सब बस आपका वहम है और कुछ नहीं। आप कल से उनके बारे में ही सोच रहे हैं ना, इसलिए वो आपको नजर आ रही है, वो बस आपके ख्यालों में है, हकीकत में नहीं। युग अपनी ही बात लगाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, माँ यहीं पर थी, मेरी बात का यकीन करो, उन्होंने भले ही मुझसे बात ना करी हो पर मैंने उनसे जरूर बात करी थी। युग यामिनी को अपने हाथ दिखाते हुए कहता है, मेरे हाथों में ये चोट ऐसे ही नहीं आई है, मैं उन्हीं का पीछा करते करते गिर गया था और मुझे गिरता हुआ देख माँ भागते भागते रुक गई थी। यामिनी फिर युग को समझाने के मकसद से कहती है, युग बाबू कोई नहीं रुका था, मैं कह रही हूँ ना ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं, चित्रा आंटी यहाँ पर हो ही नहीं सकती है। युग यामिनी पर चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी तुम कभी भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती हो, हमेशा मुझसे क्यों झगड़ती रहती हो? यामिनी पलट कर कहती है, मैं झगड़ नहीं रही हूँ युग बाबू, मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो सच है। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ये सच नहीं है यामिनी, सच तो ये है कि माँ यहाँ पर थी और वो मुझसे बात करने ही वाली थी पर तुम्हें देखकर चली गई। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, युग बाबू ये आप क्यों बोल रहे हैं, आप ही बताइए जरा, चित्रा आंटी मुझे देखकर क्यों चली जाएगी? युग गुस्से के साथ कहता है, अब ये बात तो वही जानती है कि वो तुम्हें देखकर इस तरह कहाँ छुप गई, तुम्हारे सामने क्यों नहीं आई? यामिनी युग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, युग बाबू चित्रा आंटी तो तब आपके सामने आएंगी ना जब वो होगी, ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। युग और यामिनी के बीच फिर चित्रा को लेकर बहस चलने लग जाती है। युग इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसने चित्रा को देखा था और यामिनी इस बात पर अड़ी हुई थी कि ये सब युग का कोई वहम था, चित्रा वहां पर थी ही नहीं। युग और चित्रा के बीच बहस चली रही थी कि तभी वहां पर युग को ढूंढते हुए कायर और कछुआ पहुंच जाते हैं। जैसे ही कायर की युग और यामिनी पर नजर पड़ती है वो झट से उन दोनों के बीच चल रही बहस में दखल देते हुए कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर हो, अच्छा हुआ हमें मिल गए, वरना हमें तो लगा कि हम काला झाड़ी जंगल के अंदर कहीं खो गए हैं और अब सारी रात हमें इस काला झाड़ी जंगल में ही डर कर बितानी पड़ेगी। युग और यामिनी में से कोई कायर के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही कछुआ युग और यामिनी से पूछ बैठता है, युग तुझे वन्ना भाभी दिखी क्या? युग खोए हुए अंदाज में कछुए के सवाल का जवाब देते हुए धीरे धीरे कहता है, वंदना भाभी तो नहीं दिखी पर माँ जरूर दिखी। जैसे ही कायर और कछुआ युग की ये बात सुनते हैं उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो दोनों युग की बात सुनकर शॉक्ड रह गए थे। कायर और कछुआ दोनों ही एक साथ धीरे धीरे कहते हैं, क्या कहा तूने चित्रा आंटी? युग कायर और कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है,
हाँ कायर कछुआ माँ, वो यहीं पर थी, मैंने उनसे बात करी। कायर और कछुए में से कोई कुछ कहता उससे पहले यामिनी बोल पड़ती है, युग बाबू मैंने कहा ना यहाँ पर चित्रा आंटी नहीं थी, ये आपका वहम था, आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, यामिनी तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो। यामिनी पलट कर कुछ कहती उससे पहले ही कायर बड़बड़ा पड़ता है, ये तो बड़ा अजीब है, हम ढूंढने वन्ना भाभी को निकले थे और बताओ वन्ना भाभी तो नहीं मिली पर चित्रा आंटी युग को मिल गई। युग और यामिनी की बातें सुनकर कछुआ समझ गया था कि उनके आने के पहले जरूर उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था, और कछुआ यही तो चाहता था, वो यामिनी को युग से दूर करना चाहता था ताकि काले साए के अंत के बाद जब वो यामिनी का शिकार करे तो युग और उसकी दोस्ती पर कोई असर न पड़े, वो वैसी ही बनी रहे जैसे अभी बनी हुई थी। कछुआ ना चाहते हुए भी युग की बातों पर यकीन करते हुए उससे कहता है, युग तूने पक्का यहाँ पर चित्रा आंटी को देखा था। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ कछुआ मैंने यहीं पर माँ को देखा था। इतना कहते ही युग कायर कछुआ और यामिनी को सब बताने लग जाता है कि कैसे उसने चित्रा का पीछा किया था और फिर उससे अपने मन के सारे सवाल पूछे थे, पर चित्रा ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। युग की सारी बात सुनने के बाद कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा आंटी को वन्ना भाभी का संदेश मिल गया था, उन्हीं के बुलाने पर वो वापस लौट कर आई है। कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर कछुआ अगर चित्रा आंटी वापस लौट कर आ गई है तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है, हमसे छुप क्यों रही है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर कछुआ अगर चित्रा आंटी वापस लौट कर आ गई है तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है, हमसे छुप क्यों रही है। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो हम सबके सामने आएगी भी कैसे कायर, तू खुद सोच, उन्होंने काम ही इतना गंदा किया है तो उन्हें हमारे सामने आने में शर्म तो आएगी ही ना। कायर कछुआ यामिनी तीनों खामोशी के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें युग की आंखों में चित्रा के लिए बेइंतहा नफरत नजर आ रही थी और वो तीनों ये बात अच्छे से जानते थे कि ऐसे वक्त में चुप रहना ही ठीक था। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, वो हमारे सामने नहीं आ रही है तो क्या हुआ, हम ही उन्हें अपने सामने ले आते हैं, वो यहीं पर है, कायर कछुआ इसी काला झाड़ी जंगल में, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। यामिनी तुरंत युग को मना करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू अब हमें किसी को भी ढूंढना नहीं चाहिए, ना ही चित्रा आंटी को ना ही वन्ना भाभी को, हमें वापस हवेली चलना चाहिए। युग यामिनी से पलट कर कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यामिनी, वापस चलने की बात कह रही हो, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, तुम जानती हो ना हम लोग माँ के बारे में ही पता करने में लगे हुए थे और अब जब वो वापस आ गई है यहीं पर है तो हम हवेली कैसे जा सकते हैं, हमें उन्हें ढूंढकर हमारे सामने लाना चाहिए ताकि हम उनसे सब कुछ जान सके, पूछ सके कि वो काला साया किसका है। यामिनी बड़े प्यार से युग को समझाते हुए नम लहजे के साथ कहती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ युग बाबू, पर आप देख नहीं रहे हैं यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है और आपके पास तो छाता भी नहीं है, और मैंने कहा था ना आपसे कि इस काली बारिश में। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ यामिनी मुझे पता है तुमने मुझसे कहा था कि इस काली बारिश में भीगना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका मुझ पर बुरा असर हो सकता है, पर मैं क्या करूं, मुझे अभी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और वैसे भी मुझे लगता है जब तक इस काले साए का अंत नहीं होने वाला ये काली बारिश नहीं रुकने वाली है, मैं इस काली बारिश के रुकने का इंतजार भी नहीं कर सकता हूँ, माँ इसी काला झाड़ी जंगल में है और मुझे उन्हें ढूंढना होगा। यामिनी फिर युग को समझाते हुए कहती है, पर युग बाबू ये सब आपका कोई वहम भी तो हो सकता है ना, हो सकता है आंटी जी यहाँ पर हुई ना, आपको बस आंखों का धोखा हुआ हो। युग गुस्से के साथ यामिनी से कहता है, यामिनी फिर तुम वही बात कहने लग गई, मैंने कहा ना ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, माँ सच में यहाँ पर थी। युग फिर यामिनी को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहता है, ये चोट मुझे ऐसे ही नहीं लगी है, माँ का पीछा करते करते लगी है और इसे देख कर ही वो रुक गई थी, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो। यामिनी पलट कर कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है,
युग तू परेशान क्यों हो रहा है? हम है ना तेरे साथ, तेरे दोस्त, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू कह रहा है कि तुझे चित्रा आंटी यहाँ पर दिखी है तो जरूर दिखी होगी। कछुआ तुरंत अपनी आंख से कायर को इशारा करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए उससे कहता है, क्यों कायर, तुझे अपने दोस्त युग पर भरोसा है या नहीं? वैसे कायर को भी लग रहा था कि युग को कोई धोखा हुआ है, इसलिए पहले तो वो एकदम से कोई जवाब नहीं देता है। पर जब कछुआ उसे गुस्से से कुछ ज्यादा ही घूरने लग जाता है तो वो झट से कछुए की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे भी अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, उसे ये चोट ऐसे ही थोड़ी लगी है, चित्रा आंटी का पीछा करते हुए लगी है। यामिनी और युग दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ फिर इस बात का फायदा उठाते हुए बड़ी चालाकी के साथ यामिनी को युग की नजरों में गिराते हुए कहता है, युग लगता है बस यामिनी को ही तुझ पर यकीन नहीं है। उसे तुझ पर यकीन होगा भी क्यों, वो थोड़ी तेरी दोस्त है, बस हम लोग तेरे दोस्त हैं। जैसे कछुआ ये बात बोलता है यामिनी कछुए को गुस्से से घूरने लग जाती है। कछुआ डर से तुरंत यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाता है, पर यामिनी कछुए को गुस्से के साथ घूरते हुए एकटक उसे ही देखते हुए कहती है, सही कहा कछुआ तूने, मैं युग बाबू की दोस्त थोड़ी हूँ, मैं तो उनकी प्रेमिका हूँ, इसलिए मुझे उनकी जान की फिक्र है, तभी मैं उन्हें रोक रही हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है इस काला झाड़ी जंगल में कितने खतरे हैं, मैंने इस जंगल में अभी कुछ देर पहले एक अजीब सी शक्ति। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग यामिनी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, बस यामिनी बस करो अपनी ये फालतू की बकवास, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है, बस अपनी माँ को ढूंढना है ताकि उनसे सब कुछ पूछ सकूं, और इस बार जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उन्हें तब तक नहीं जाने देने वाला जब तक वो मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे देती है। यामिनी फिर हिम्मत करते हुए युग को किसी न किसी बहाने से जाने से रोकने के मकसद से कहती है, पर युग बाबू आप ये बारिश देख रहे हैं ना, आपके पास छाता नहीं है कि मैं आपको जाने दूं, और तो और ये कछुए के पास भी छाता नहीं है कि उनसे लेकर आपको दे दो। यामिनी अपनी बात पूरी करते हुए कायर और कछुए दोनों की ओर देखते हुए कहती है, कहाँ गए तुम दोनों के पास के छाते? कायर हकलाते हुए जवाब देता है, वो अभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आया था ना, उसी में हम दोनों के छाते भी उड़ गए। यामिनी पलटकर कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही युग यामिनी को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, यामिनी तुम ये अपनी फालतू की बातें करके हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करोगी? एक तो वैसे ही वक्त बहुत कम है, ऊपर से तुम हमारा वक्त और बर्बाद कर रही हो। माँ इसी काला झाड़ी जंगल में है, इससे पहले कि वो यहाँ से चली जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। कछुआ युग की बात में हामी भरते हुए कहता है, युग बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें चित्रा आंटी को ढूंढना होगा, कोई युग का साथ दे या ना दे पर मैं तो जरूर दूंगा। यामिनी फिर कछुए को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है, पर वो जानती थी कि वो युग को कितना भी समझाए वो नहीं समझने वाला था, युग वही करने वाला था जो उसके मन में था, और अब तो कछुआ भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। अगर वो युग का साथ देने से मना कर देती तो उनके रिश्ते में और ज्यादा कड़वा हटा जाती, इसलिए वो भी युग का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो चारों काला झाड़ी जंगल के अंदर चित्रा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चित्रा अगर उन्हें नहीं भी मिली तो वंदना तो मिल ही जाएगी। उन चारों ने चित्रा और वंदना को काला झाड़ी जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया था, पर यामिनी ने सोच कर रखा था कि इस बार वो युग का साथ नहीं छोड़ेगी, उसके पास ही रहेगी, इसलिए हर जगह वो उसके साथ साथ ही चल रही थी, एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जा रही थी। यामिनी चक्र बस अपने लिए बना सकती, इस वजह से बस एक वही थी जो काली बारिश में नहीं भीग रही थी। बाकी बचे युग, कायर और कछुआ वो तीनों ही अपना छाता गंवा चुके थे जिस कारण वो बारिश में भीग रहे थे। कुछ ही घंटों में वे सब पूरा काला झाड़ी जंगल घूम लेते हैं, पर ना उन्हें कहीं चित्रा मिलती है न वन्ना, उनके हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ नाकामी। युग, कायर और कछुआ तीनों ही बहुत थक गए थे, और सबसे ज्यादा कोई थका था तो वो था कायर। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी अब वो और आगे बढ़ा पाए। युग, यामिनी, कछुआ और कायर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि कायर रुकते हुए थकान के साथ कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं चल सकता। युग, मुझे नहीं लगता चित्रा आंटी और वंदना भाभी यहाँ पर है, लगता है वो दोनों हमारे हाथ से निकल गई। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग मुझे भी यही लगता है, मेरे अंदर भी अब चलने की जरा सी भी हिम्मत नहीं है, हमें अब वापस चलना चाहिए। युग को भी चित्रा की अब मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी उनकी बातों से सहमत होते हुए कहता है, हाँ चलो चलते हैं। जैसे ही युग ये बात बोलता है यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, युग बाबू मैंने कहा था यहाँ पर चित्रा आंटी नहीं है, पर आप हैं कि मेरी बात ही नहीं मान रहे थे,
अब तो देख लिया ना आपने सब कुछ अपनी आंखों से, मिल गई आपके मन को तसल्ली। युग यामिनी पर चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी हमें वन्ना भाभी भी तो नहीं दिखी ना यहाँ पर, लेकिन वो आई तो यहीं पर थी ना, तुम ही तो हमें यहाँ तक लेकर आई थी उनके कदमों का पीछा करवाते करवाते, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वन्ना भाभी भी यहाँ पर नहीं आई थी। जिस तरह वन्ना भाभी यहाँ से चली गई है उसी तरह माँ भी चली गई होगी। यामिनी पलट कर कुछ नहीं कहती है, खामोश खड़ी रहती है। युग की बातें सुनकर वो समझ गई थी कि वो बहुत गुस्से में था, उसे अब वो और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। युग कहता है, अगर वन्ना भाभी यहाँ पर नहीं है तो जरूर वो हवेली ही गई होगी, हवेली छोड़कर आखिर वो जा भी कहाँ पर सकती है, हमें वहीं पर चलना चाहिए। युग की ये बात कहते ही वो चारों फिर से हवेली जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद युग, यामिनी, कायर और कछुआ रोंका मुचा गांव पहुंच जाते हैं और वो लोग हवेली पहुंचने ही वाले थे। हवेली से बस 50 मीटर की दूरी पर थे। बारिश और जमकर बरसने लग गई थी। कछुआ, कायर और युग तीनों की ही हालत काली बारिश में भीगने के कारण और ज्यादा खराब हो गई थी। कायर और कछुआ दोनों का सिर दुखने लग गया था। दोनों ही अपना सिर पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। काली बारिश में भीगने के कारण सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब हुई थी वो युग था। युग की आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। आंख के अंदर जो सफेद सरफेस था वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि युग की आंखों में पुतली थी भी या नहीं। युग को उसकी आंखों में हल्की हल्की जलन भी होने लग गई थी, पर वो ये बात किसी को बता नहीं रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके दोस्त और टेंशन में आए। पर यामिनी को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि युग को कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर है। उसको अंदाजा होता भी कैसे नहीं, आखिर वो युग से प्यार करती थी और जिससे हम प्यार करते हैं उसे जरा सा भी दर्द या कोई चोट लगती है तो हमें भी एहसास हो ही जाता है। यामिनी परेशान होते हुए युग से कहती है, युग बाबू मैंने कहा था ना आपसे आपको इस काली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, देखा ना आपने क्या हुआ। इस बार युग पलट कर कुछ नहीं कहता है, वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस बार गलती उसी की थी। काली बारिश में भीगने के कारण उसे भी अपने अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हो रही थी। यामिनी युग की फिक्र करते हुए नम लहजे के साथ कहती है, युग बाबू आपको सब दिखाई तो दे रहा है ना, इन काली आंखों में देखने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना। युग यामिनी पर चिढ़ते हुए कहता है, परेशानी इन आंखों से नहीं यामिनी, तुम्हारी बातों से हो रही है, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या, मैंने कहा ना ये बस इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। कछुआ भी तुरंत बोल पड़ता है, हाँ यामिनी ये ठीक हो जाएगा, अमोदिता है ना, देखना वो कैसे युग को ठीक करती है। यामिनी पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही कायर कुछ घबराते हुए बोलता है, यार वो जरा हवेली के गेट पर देखो। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, युग, यामिनी और कायर तीनों अपनी नजरें हवेली के दरवाजे की तरफ कर लेते हैं जिससे वो करीब 15 कदम की दूरी पर थे। जब वो तीनों हवेली के दरवाजे पर अपनी नजरें करते हैं तो वो भी कायर की तरह घबरा जाते हैं और जहाँ पर थे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।